हम लोगों ने गौतम गंभीर जी से ये सवाल पूछा हुआ है कि उनके पास दो दो वोटर आईडी कार्ड्स क्यों हैं। कल जब कुछ जर्नलिस्ट ने उनसे ये सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ये मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि उनका दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से गौतम गंभीर जी को एक ओपन चैलेंज देना चाहती हूँ और उन्हें एक ओपन डिबेट के लिए न्योता देना चाहती हूँ इस मुद्दे पे कि दिल्ली वालों के लिए, पूर्वी दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है पिछले चार साल में और पिछले पाँच साल में पूर्वी दिल्ली में उनकी ही पार्टी के सांसद रहे हैं महेश गिरी जी, उन्होंने पिछले पाँच साल में पूर्वी दिल्ली के लिए क्या काम किया। तो आज मैं गौतम गंभीर जी को पांच सवालों पर डिबेट के लिए चैलेंज कर रही हूं। पहला सवाल शिक्षा से जुड़ा हुआ। ईस्ट दिल्ली कैंपस का वादा पांच साल पहले उनके सांसद ने किया था, उन्होंने ईस्ट दिल्ली कैंपस का एक फर्जी उद्घाटन भी किया था। आज फिर से गौतम गंभीर जी ने ईस्ट दिल्ली कैंपस का वादा किया है। तो मेरा गौतम गंभीर जी से पहला सवाल कि ईस्ट दिल्ली कैंपस लाने के लिए पिछले पांच साल में जो बीजेपी के एमपी रहे हैं उन्होंने क्या काम किया। मेरा गौतम गंभीर जी से दूसरा सवाल, पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो गरीब इलाकों में रहने वाली महिलाएं हों जो वहां पे नकली दारू बिकती है, वहां पे नशा बिकता है, उससे परेशान है, या मयूर विहार वसुंधरा इंक्लेव में रहने वाली महिलाएं चेन स्नैचिंग से परेशान है। तो मेरा गौतम गंभीर से दूसरा सवाल कि पिछले पांच साल में बीजेपी के जो सांसद रहे हैं पूर्वी दिल्ली में, उन्होंने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा सुधारने के लिए, उन्होंने दिल्ली पुलिस की व्यवस्था सुधारने के लिए पूर्वी दिल्ली में क्या क्या काम किया है, उसका ब्यौरा गौतम गंभीर जी इस ओपन डिबेट में दें। तीसरा सवाल, 80% पूर्वी दिल्ली कच्ची कॉलोनियों में रहती है, कोई भी कच्ची कॉलोनी में, अनाधिकृत कॉलोनी में रहना नहीं चाहता, मजबूरी में रहता है, क्योंकि डीडीए जिसका काम था अफोर्डेबल हाउसिंग देना, इतने सालों से सिर्फ लैंड माफिया बन के रह गई है। तो मेरा गौतम गंभीर जी से तीसरा सवाल है कि उनके बीजेपी के सांसद महोदय ने पिछले पांच साल में पूर्वी दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग पूर्वी दिल्ली की जनता को देने के लिए क्या क्या कदम उठाए। एक चौथा बड़ा मुद्दा पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए, खासकर पूर्वी दिल्ली के व्यापारियों के लिए, विश्वास नगर गांधीनगर के इलाके में सीलिंग कर रहा है। पूरे दिल्ली में एमसीडी ने सीलिंग करी, करोड़ों का व्यापार ठप हो गया, लाखों की नौकरियां, लाखों नौकरियां बंद हो गई। मेरा गौतम गंभीर से चौथा सवाल, दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए भाजपा के सांसद ने पिछले पांच साल में क्या किया, वो सीलिंग का मुद्दा बीजेपी के सांसद ने कितनी बार पार्लियामेंट में उठाया, और दूसरा उन्होंने जमीनी स्तर पर सीलिंग को रोकने का क्या प्रयास किया। मेरा गौतम गंभीर जी से पांचवा सवाल, पूर्वी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है गाजीपुर लैंडफिल साइट। गाजीपुर लैंडफिल साइट में रिपीटेडली आग लगती है, लास्ट ईयर उसका कुछ हिस्सा वो एक कूड़े का पहाड़ बन गया है, वो गिर के दो लोगों की मौत भी हो गई थी, लेकिन अभी तक डीडीए ने गाजीपुर लैंडफिल साइट के लिए कोई नई जमीन नहीं अलॉट की है। तो मेरा गौतम गंभीर जी से पांचवा सवाल है कि बीजेपी के सांसद ने पिछले पांच साल में गाजीपुर लैंडफिल साइट की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। ये मेरे पांच सवाल हैं। मैं एक ओपन डिबेट के लिए गौतम गंभीर जी को इन सारे मुद्दों पे चैलेंज कर रही हूँ कि वो भी ये पक्ष सामने रखें कि पिछले पांच सालों में उनके सांसद ने क्या किया, हम भी ये पक्ष सामने रखेंगे कि पिछले साढ़े चार साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या रखा, तो दिल्ली की जनता को साफ पता चल जाएगा कि पूर्वी दिल्ली के हक में कौन काम करता है। ये ओपन चैलेंज एक डिबेट का ऑलरेडी एक न्यूज चैनल दे चुका है, ऑलरेडी एक एफएम रेडियो चैनल भी दे चुके हैं, और आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं
जो भी बहुत आप लोगों से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग भी गौतम गंभीर जी को जरूर न्योता दीजिए कि पूर्वी दिल्ली से जुड़े हुए इन जरूरी 5 मुद्दों पे वो ओपन डिबेट के लिए हमसे बातचीत करने आए। एक दूसरा जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमने कल भी एक इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेंट फाइल करी थी, आज भी हम इलेक्शन कमीशन में गौतम गंभीर जी के खिलाफ एक और कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, क्योंकि एक और वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है। गौतम गंभीर जी के पर्चे, मैंने अभी एक कंप्लेंट, अभी मैं यहाँ से सीधा आरओ के ऑफिस जा रही हूँ, हम एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। ये पर्चे पटपड़गंज विधानसभा के विनोद नगर इलाके में बांटे जा रहे थे। ये पर्चे, इन पर्चों पे प्रिंट लाइन नहीं है, इन पर्चों पे प्रिंटर का नाम नहीं है, इस पर्चे पे क्वांटिटी नहीं है, और इन पर्चों को बीजेपी के कार्यकर्ता आज विनोद नगर में बांट रहे थे। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक वायलेशन है। तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर को एक कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ कि गौतम गंभीर के इस वायलेशन के लिए एक FIR फाइल करी जाए। मेरा उनसे फिर से आग्रह है कि थोड़ा सा अपनी टीम को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लें कि अगर उन्हें परमिशन लेनी नहीं आ रही